नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल यूपी 40 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कुमैल अब्बास। यूक्रेन देश में फंसे श्रावस्ती जनपद के फंसे 5 बच्चों में से 2 बच्चे सही सलामत अपने वतन लौट आए हैं, जहां पर उनका परिवार उनको लेकर काफी चिंतित था। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बच्चों की घर वापसी की गुहार लगाई थी। सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू करके श्रावस्ती के 2 बच्चों को सही सलामत श्रावस्ती पहुँचा दिया गया है, जिसको लेकर परिवार में काफी खुशी देखने को मिल रही है। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र के रहने वाले सद्दाम रैनी और आर्यमन प्रताप सिंह सही सलामत अपने घर को लौट आए हैं। ये सभी छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में हमले के बाद ये सब वहां फंसे हुए थे। यहां पर उनके परिवार वालों ने अपने बच्चों की वापसी के लिए भारत सरकार से बच्चों की वापसी की गुहार लगाई थी। सरकार ने मिशन गंगा के तहत सभी छात्रों को सुरक्षित उनके घर श्रावस्ती पहुँचा दिया गया है, जहां पर परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं छात्रों की आप बीती सुनकर एक बार दिल जरूर दहल जा रहा है। लौटे हुए छात्र और उनके परिवार वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया है। भाई साहब, आप सकुशल श्रावस्ती पहुंच गए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं यहां श्रावस्ती में, और आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। जी, मेरा नाम आर्यमन प्रताप सिंह है। मैं इवानो फ्रेंकिस शहर जो कि यूक्रेन में है, वहाँ पे थर्ड ईयर का छात्र हूँ, और मैं अभी आज ही से सही सलामत यहाँ पे पहुँचा हूँ अपने घर। एयर इंडिया की फ्लाइट थी मेरी परसों की, और कल मुझे उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस में रखा गया, वहाँ से गाड़ी करके मुझे यहाँ भेज दिया गया। अच्छा, आप अकेले पहुँचे हैं या कुछ श्रावस्ती के और भी छात्र हैं जो आपके साथ यहाँ आए हैं? श्रावस्ती के और भी छात्र हैं, वो हमसे पहले आ चुके हैं, फिर हमको उनकी जानकारी नहीं है। एक है, वो हमसे पहले आ चुके हैं, बाकी हमको एक और है, उनका नहीं पता क्यों, लेकिन वो इधर आ चुके हैं बॉर्डर पे। अच्छा, यूक्रेन में आप किस शहर में कौन सा साल आपका था? आपका कौन सा ईयर चल रहा था MBBS में? थर्ड ईयर। अच्छा, कितना दिन पहले अभी यहाँ से गए थे श्रावस्ती? यहाँ से हम सितंबर में गए थे, लास्ट ईयर सितंबर में। जी, तो जब आप लोगों को पता चला कि 2 देशों में वार छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है, तो कैसा लगा उस वक्त आप लोगों को? आपके स्कूल विद्यालय की तरफ से, कॉलेज की तरफ से क्या बताया गया कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ रखिए? जी, कॉलेज की तरफ से हमारा, क्योंकि यही हमारा एरिया सेफ था, तो हम लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी हमने अपना बंदोबस्त राशन पानी खरीद लेना और कैश का इंतजाम कर लिया था। बाकी वैसे कोई डरने वाली बात हमारे यहाँ की, हमारे इधर नहीं थी कोई डरने वाली बात। अच्छा, क्योंकि हम लोग एकदम अलग साइड है, अपोजिट साइड है, हम लोग का बॉर्डर रशिया में नहीं लगता है। अच्छा, वहाँ खबरों में सुनने में आया कि यूक्रेन में जो एयर स्पेस है ये सब वगैरह जो है ब्लास्ट कर दिए गए हैं, तो आप दूसरे देश से होकर के आए हैं, रोमानिया से। जी, तो किस तरीके से वहाँ की सरकार ने और भारत की सरकार ने आपकी मदद की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, पहले तो भारत की सरकार ने हमको रोमानिया में ही आके मदद की है, उससे पहले हम लोग खुद ही अपने उससे आए हैं, बस किए, फिर हम लोग रोमानिया बॉर्डर पे गए। वहाँ पे हम लोग को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा क्रॉस करने के लिए बॉर्डर। फिर बॉर्डर क्रॉस होने के बाद फिर रोमानिया में काफ़ी NGOs, वहाँ के वॉलंटियर्स थे, रोमानिया की सरकार, रोमानिया का जो मेयर था, उन्होंने बस ऐसे कराई, मैसी ने बस कराई सेंटर कैपिटल के लिए। हम लोग कैपिटल गए बुचापेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ से फ्लाइट कराई गई सरकार की तरफ से, सरकार ने फ्लाइट कराई, हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोग की व्यवस्था कर रखी थी घर तक जाने की, तो उन्होंने घर तक हमें छुड़वाया। अच्छा, हमारी जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, उससे काफ़ी मदद मिला आपको? जी, एम्बेसी की जो रोमानिया में थी जो भारतीय एम्बेसी, उससे हमें काफ़ी मदद मिला। एम्बेसी और वहाँ के लोगों और वहाँ के वॉलंटियर्स, वहाँ के NGOs, वहाँ की लोकल सरकार, सबने मिलकर। तो आप जब आए हैं, सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं, आपको बहुत सारे छात्र मिले होंगे रास्ते में, तो इस वक्त जो है यूक्रेन के हालात कैसे हैं, अगर आपने कुछ महसूस किया उसके बारे में बताइए। जी, यूक्रेन के हालात तो भाई मेरी बात हुई थी आज, धीरे धीरे बता रहे हैं कि अब जो सायरन बजते थे वो कम होना शुरू हो गए हैं। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा पोता सकुशल घर पहुँच गया। अच्छा, कुछ बताएंगे अपने बच्चे के बारे में कि कितने साल से वहाँ यूक्रेन में रह रहा था? हाँ, हमारा बच्चा 3 साल से यूक्रेन में रहा, 30th का छात्र MBBS का, 6 महीना पहले वो गया था। जब आप लोगों ने सुना कि हाँ, 2 देशों में लड़ाई छिड़ गई है, एक दोनों देश एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या चीज़ आपके दिमाग में? ज़्यादा दुखी थे कि बमबारी हो रही है, बच्चा परेशानी में है, हम लोग बहुत दुखी थे, चिंतित थे कि कब वो ठीक होकर आए। अच्छा,
हाँ, तो क्या कुछ सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके सरकार से? सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा पता सर पहुँच गया। सद्दाम जी पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं नाम सद्दाम, मैं यूके में पढ़ता हूँ, इवान फ्रेंकुस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन फिफ्थ कोर्स। 24 फरवरी को ये सब घटना हुआ। हम लोग को आइडिया ही नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था कि ये मतलब ये रूस कर सकता है। 24 फरवरी रात 4 बजे यानी इंडिया के 7:30 बजे ये सब घटना हुआ, फिर हम लोग को आइडिया लगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई, हम लोग की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लास नहीं चालू कर रही थी, इसलिए हम लोग फंसे हुए थे। जब इंडियन एम्बेसी ने प्रेशर डाला तब जाके ऑनलाइन क्लास चालू हुई। फिर ये सब घटना होने के बाद सब कुछ हमारी 27 फरवरी को हमारी फ्लाइट थी, मैंने अपने पैसे से बुक किया था। फिर सब कुछ होने के बाद सब कुछ लोग जहाँ पढ़ते हैं इवान फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट को ख़त्म किया, फिर कीव के, यूक्रेन की राजधानी कीव है जो उन्होंने दूसरा, उनका मेन मोटिव यही था कि पहले एयरपोर्ट को खत्म किया जाए फिर दूसरी चीज पर अटैक किया जाए। तो फिर हम लोग को ये आर्डर मिला इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप लोग शेल्टर आइए, शेल्टर इट मीन शरणार्थी। जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे तो हम लोगों को 15 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गया। व्हेन विल इंटर द रोमानिया बॉर्डर टैक्सी बिल विल बे 15 किलोमीटर रन अवे एंड आल्सो वॉकिंग द 15 किलोमीटर देन हम लोग फिर 2 दिन यानी 48 घंटे लाइन में खड़े रहे। 8,000 लोग लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आया। फिर 2 दिन लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आने के बावजूद वहाँ के यूक्रेनियन पीपल यानी यूक्रेनियन फोर्स हम लोग के साथ इतना रूड बिहेवियर की कि मतलब यहाँ तक कि लड़कियों को भी लाठी से मारा गया। फिर उनके बाद किसी कई लड़कियों तो भी बेहोश हो गए, किसी का हार्ट पैड भी टूटा। फिर किसी तरीके से वहाँ पे फायरिंग भी हुई, 2-4 बार AK-47 से फायरिंग भी हुई। हम लोग किसी तरीके से रोमानिया बॉर्डर क्रॉस हुए। फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस के अंदर होने के बाद हम लोग को लेकर गया शेल्टर में। शेल्टर में लेने के बाद हम लोग वहाँ 3 दिन ने 27-28 को फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ मतलब रोमानिया के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे कि उन्होंने हम लोग का वेलकम किया। फिर हम लोग वहाँ पर अच्छा हम लोग को इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, अच्छा मतलब सुविधा दी, क्योंकि भाई 20,000 बच्चे हैं, किसी को एक एक मतलब करके कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक घर वाले भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम लोग की फ्लाइट थी 28 तारीख को हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद हमारी फ्लाइट होने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे। हम आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आवर नरेंद्र मोदी टू एवरी स्टूडेंट टू कम इन इंडिया, वेरी थैंकफुल फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच फॉर नरेंद्र मोदी। वहाँ के हालात जब एकाएक बिगड़े तो आपने कैसा महसूस किया? वहाँ के हालात बिगड़ने के बाद इतना हम लोग डरे हुए थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर ये था कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम विल बी हैपन, सो एंड नो एनी वन पर्सन विल बी डाई आर लाई। तो हम लोगों ने ये सोचा, ये सब फ्लाइट होने के बाद फिर हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी पर प्रेशर बनाना चालू किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों से ये कहा कि आज जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं मतलब जिस यूनिवर्सिटी के वो लोग एक जगह हो जाए। फिर इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को स्टेटमेंट दिया कि आप लोग को रोमानिया बॉर्डर, जिन्होंने 4 ऑप्शन दिया रोमानिया बॉर्डर, 3 ऑप्शन और हैं, एक पोलैंड, एक हंगरी, एक अर्मीनिया, उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा आप चारों कंट्री में से कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम लोग वहां पहुंचे तो इतनी रस्ती कि लोग 7-7 दिन खाना पानी पिए बिल्कुल लाइन में खड़े थे। दो लड़के तो मर भी गए खारक्यू गए बंदे, आज एक लड़का मरा है, कल एक लड़का मरा है, 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं बॉर्डर से ही। तो वहाँ के रशियन पीपल बहुत ही रूड व्यवहार किए। फिर हम लोग बहुत परेशान थे, ये समझ में नहीं रहा था कि हमारे साथ एक लड़का था बहराइच का विशेष यादव, अभी भी वहीं फंसा हुआ है, वो अभी भी नहीं आ पाया लेकिन आ जाएगा। तो हम अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हम लोगों से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया हम लोगों को यहाँ पर मंगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद।